सो इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्शन और स्पीड का इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, एक सचिन का एग्जांपल दिया गया, उसके मदद से हमें बताया गया यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन का इफेक्ट वेलोसिटी के ऊपर। सो देखते, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, ठीक है। सचिन मोटर बाइक लेके ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन्स राइड, ठीक है। अभी फिगर में देखिए, और हमें फिगर में देख देख के बताना है कि इन इवेंट्स पे क्या होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल के वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती है या घटती है तो मोटरसाइकिल के वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। बट डायरेक्शन अनचेंज रहता है, मीन्स डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में बाइक जाती है, लेकिन क्या है कि उसकी जो स्पीड है डिक्रीज और इंक्रीज होती है, ठीक है। सेम डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन स्पीड क्या है इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, इससे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होंगी, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि नहीं, क्या स्पीड चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम रख रहा है, तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ सारे एग्जाम्पल में क्या है, ये सब एग्जाम्पल वेलोसिटी का चेंज एक्सप्लेन करने के लिए हमें दिए गए हैं। तब सेकेंड एग्जाम्पल में भी वैसे ही होगा, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन अ रोड, ठीक है। अब रोड के ऊपर वो टर्न ले रहा है, जैसे कि फिगर में, वाइल द वेलोस विल द वेलोसिटी एंड स्पीड भी सेम, ठीक है। अब जैसे वो रोड के ऊपर टर्न ले रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होंगे क्या, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। इफ सचिन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट, अगर सचिन डायरेक्शन चेंज करता है स्पीड कॉन्स्टेंट करके, स्पीड वही रख के, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट होगा, चेंज इन डायरेक्शन वाइल कीपिंग द सेम स्पीड, अगर डायरेक्शन चेंज करता है सेम स्पीड में तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, इस एग्जाम्पल में भी सेकेंड नंबर के वेलोसिटी चेंज होगी। अब थर्ड में भी देखते हैं हम लोग, इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, अगर एक टर्निंग पे सचिन डायरेक्शन भी चेंज करता है और मोटरसाइकिल की स्पीड भी चेंज करता है तो वेलोसिटी पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो क्या है, चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन कॉजेस चेंज इन द वेलोसिटी, सो क्या है, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, वेलोसिटी अल्टर होगी।